जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि लर्नर क्या है और टाइप्स ऑफ लर्नर क्या है और आपके टीचिंग एंड ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या होता है और प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन क्या है। इन चार पॉइंट के बारे में हम समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि एजुकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, और स्किल्स क्या है, और एकेडमिक एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। इन सब पॉइंटों को मैं हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल की प्लेलिस्ट में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग मेथोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा ये पहला यूनिट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का पहला यूनिट चल रहा है। इसमें हमारा पहला यूनिट कौन सा है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंड इंस्ट्रक्चर इंस्ट्रक्टर, ये पहला यूनिट है हमारा। तो इसकी ये तीसरी वीडियो है। तो हम इसमें हम क्या लर्नर और टाइप्स ऑफ लर्नर और टीचिंग एंड ट्रेनिंग में डिफरेंस और प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं लर्नर क्या होता है। तो लर्नर होता है, अगर हम लर्नर की डेफिनेशन देखें तो लर्नर की डेफिनेशन होती है टू लर्न टू गेन नॉलेज और स्किल एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू स्टडी। यानी कि नॉलेज एक्सपीरियंस और स्किल्स को प्राप्त करना किसके द्वारा, स्किल्स के द्वारा। नर्लर क्या होता है, नर्लर क्या करता है, नॉलेज एक्सपीरियंस और स्किल प्राप्त करता है स्टडी के द्वारा। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, टू गेन नॉलेज एंड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस थ्रू स्टडी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लर्नर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ लर्नर में से आपका एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपके लिए बहुत ईजी होते हैं, ये समझ रहा है। जिस तरीके से मैं नोट्स बनाते जाइए इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो सब देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्नर। टाइप्स ऑफ लर्नर क्या होते हैं। लर्नर आपके चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका, विजुअल लर्नर, और दूसरा क्या होता है, ऑडिटरी लर्नर, और तीसरा होता है आपका एनालिटिक लर्नर, और चौथा होता है आपका इंसथेटिक लर्नर। तो सबसे एक एक करके हम समझते हैं कि विजुअल लर्नर क्या है, ऑडिटरी लर्नर क्या है, या एनालिटिक लर्नर क्या है। इन सब पॉइंटों को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विजुअल लर्नर, ये आप हेडिंग डाल लो। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लर्नर इस तरीके से डाल लो, उसके नीचे आप इस तरीके से बनाकर इस तरीके से आप ये चारों पॉइंट लिख लो। उसके बाद पहले पॉइंट में क्या लिखना है आपको, विजुअल लर्नर में ये लर्नर क्या होता है, विजुअल लर्नर, इस लर्नर को केवल देख कर समझ लर्न किया जाता है। इसमें मौखिक अनुदेश की आवश्यकता नहीं होती, मौखिक अनुदेश की आवश्यकता नहीं होती, केवल आप देख कर समझते हैं। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ये कौन सी लर्निंग में आता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ को आप देखते हैं और उससे लर्न करते हैं, लेकिन उसमें आपका मौखिक उद्देश्य नहीं होता, मौखिक अनुदेश नहीं होते हैं, तो उस वो कौन से उसमें आते हैं, विजुअल लर्नर में आते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है, सबसे पहला एग्जांपल वीडियो देखकर, उसके बाद चार्ट देखकर। चार्ट को जब आप देखते हैं उसमें कोई भी मौखिक उद्देश्य नहीं होता, खाली किसी भी चीज़ का डायग्राम बना होता है और आप उससे समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ है। उसके बाद क्या होता है, फ्लैश कार्ड देखकर, और उसके बाद में कार्टून देखकर। ये चार एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको ये दे देगा, चार्ट देखकर कौन से लर्नर में देखा जाता है। तो विजुअल लर्नर को क्या करता है, चार्ट देखकर लर्न करता है। उसके बाद आपका आता है ऑडिटोरी लर्नर। तो इसमें क्या है आपका, इसमें मौखिक अनुदेश जो है वो दिया जाता है, और आपका क्या होता है, अनुदेश की आवश्यकता होती है, यानी कि इंस्ट्रक्शन देने की आपको आवश्यकता होती है, और आपको क्या, मौखिक उद्देश्य देने की आवश्यकता होती है, और आप देते हैं किसमें, ऑडिटोरी लर्नर में। इसमें एक एग्जाम्पल में देखिए, आप स्टोरी सुनकर लर्न करते हैं, उसके बाद में मौखिक अनुदेश देकर किसी भी चीज़ को बताकर कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे, जैसे कि आप किसी एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दें, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में, जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई, नई शिक्षा नीति के बारे में आप जानकारी दें इस तरीके से। उसके बाद आपका मौखिक कार्य में भाग लेकर, किसी भी कार्य को, पर्टिकुलर कार्य को, ग्रुप में जो भाग लेकर उसमें आप क्या करते हैं, ऑडिटोरी लर्निंग करते हैं। उसके बाद कविताएँ तथा संगीत में भाग लेकर, यानी कि जो कविताएँ और संगीत के प्रोग्राम होते हैं उनमें भाग लेकर आप क्या करेंगे, ऑडिटोरी लर्निंग करेंगे। उसके बाद में आता एनालिटिक लर्निंग, इसमें क्या होता है, पढ़कर तथा लिखकर आप लर्निंग करते हैं। पढ़कर तथा लिखकर आप लर्निंग करते हैं। इसमें क्या होता है, विचार भाषा के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि भाषा का क्या विस्तार है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कि आपकी व्याकरण और आपका नियम जो होते हैं, जो लॉ होते हैं, उन पर आप क्या करते हैं, विचार करते हैं, किसी भाषा को देखकर, भाषा के विस्तार को देखकर उन पर विचार करते हैं। तो
डियर फ्रेंड, ये आपका भाषा के विचार को आप ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके बाद ये क्या आपको एनालिटिक करना होता है किसी भी शब्द को देखकर, और आप उसके उसके जो वाक्य हैं या उसके जो सेंटेंस हैं या उसके अंदर जो व्याकरण यूज की गई है उसके आधार पर आप किस स्टडी करते हैं, किसकी लर्न करते हैं, किसको किसी भी सेंटेंस को या किसी वाक्य को एनालिटिक करते हैं किसी अपने अपने निजी तरीके से, जैसे कि कोई भी वर्ड लिखा होगा उसको आप देख कर उससे एनालिटिक करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आता है, एनालिटिक लर्निंग का। इसके जो एग्जांपल होते हैं, एग्जांपल है आपका कहानी लेखन में आप क्या करते हैं, कहानी लेखन में आप किसी भी पर्टिकुलर वस्तु को या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप कहानी लिखते हैं और उसको अपने अंदाज से अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं कि हाँ किस तरीके से हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं उसका कहानी को लेखन करते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, सूचना तथा अनुदेश से एक के बाद एक क्रम में दिए जाना, यानी कि किसी भी सूचना का एक के बाद एक क्रम में क्या आप एनालिटिक करके आपको एक के बाद एक क्रम में लगाते हैं। उसके बाद है आपका विषय वस्तु का स्पष्ट होना, किसी भी जैसे कि किसी भी टॉपिक पे आप कहानी लिख रहे हैं तो उसकी विषय वस्तु जो है उसका स्पष्ट होना, एक तरीके से पूरा क्लियर होना जो पढ़ने वाला है या जो लर्न करने वाला है उसके लिए क्लियर होना कि टॉपिक बाई टॉपिक आपका है या नहीं। उसके बाद आपका शब्दों तथा वाक्यों से संबंधित क्रियाएं होती हैं, इसमें शब्द जो शब्द आप चयन करेंगे या जो वाक्य चयन करेंगे उनसे संबंधित सारी क्रियाएं होती हैं। तो ये चार इसमें एग्जांपल हैं, ये लिख लीजिए, एक क्वेश्चन में यही पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है किनेस्थेटिक लर्नर, तो इसमें क्या होता है शारीरिक जो आप फिजिकली जो गतिविधियाँ करते हैं जैसे कि खेलते हैं कूदते हैं इस तरीके से जो भी फिजिकल गतिविधियाँ करते हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, किनेस्थेटिक लर्नर के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप क्रिकेट मैदान में खेलकर या फुटबॉल खेलकर या कोई भी एथलेटिक गेम खेलकर उसमें क्या करते हैं आप सीखते हैं, तो वो क्या कौन से उसमें आता है किनेस्थेटिक लर्निंग में। तो इसमें क्या होता है आप इससे के एग्जांपल में देखेंगे तो खेलकर या मॉडल या प्रोजेक्ट बनाकर, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या मॉडल बनाते हैं तो आपको बनाना होगा एक मॉडल या एक प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है, CITS के सिलेबस में आता है और ये आपको बनाना होता है, तो उससे आप लर्न जो करते हैं वो किसका होता है किनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गतिविधियों में आता है। उसके बाद में व्यायाम से संबंधित जो भी आपकी क्रियाएँ हैं वो आप कर करके सीखते हैं। उसके बाद आपका आता है कार्य का बार बार अभ्यास करके जो आप सीखते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो अब आगे हम देखते हैं ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए, विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर और एनालिटिक लर्नर और किनेस्थेटिक लर्नर, ये आप लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। उसके बाद हम समझेंगे टीचिंग एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, और तो आप हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग देखते हैं हम, सबसे पहले ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग इज अ यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड अ पर्सन स्किल कॉमन नॉलेज एंड एटीट्यूड, ठीक है। टीचिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग है जो यूज होती है ऑर्गेनाइजेशन में किसके लिए, बिल्डअप है पर्सन, एक पर्सन को बनाने के लिए, किसके द्वारा, स्किल नॉलेज एंड एटीट्यूड के द्वारा। क्या होता है इसका मैन मतलब कि ट्रेनिंग यूज होती है ऑर्गेनाइजेशन में और किस लिए, एक पर्सन को बिल्डअप करने के लिए, एक पर्सन को बनाने के लिए, उसको स्किल देने के लिए, उसको नॉलेज देने के लिए और उसका एटीट्यूड बढ़ाने के लिए। अब ट्रेनिंग मेन पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ट्रेनिंग में क्या ओरिएंटेड होता है, यानी कि ट्रेनिंग किस ट्रेनिंग में किस तरफ, किस प्रोसेस पर या किस तरफ आपका केंद्रित होती है, ट्रेनिंग किसकी तरफ केंद्रित होती है। तो ट्रेनिंग आपकी प्रैक्टिस, ट्रेनिंग इज अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि ट्रेनिंग है जो आपकी वो किसकी तरफ ओरिएंटेड है, किसकी तरफ केंद्रित है, वो आपकी प्रैक्टिस की तरफ। तो ये आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ट्रेनिंग इज अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रोसेस। तो इसमें क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो ओरिएंटेड होगा वो आपको टिक करना है, ट्रेनिंग में किसकी तरफ केंद्रित होती है, प्रैक्टिस की तरफ। तो ये नोट कर लीजिए आप ये लाइन। तो उसके बाद हम टीचिंग देखते हैं, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ए पर्सन विथ थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आपकी टीचिंग है वो आपको थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट में को थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा एक पर्सन को बिल्डअप करती है, यानी कि एक पर्सन को बनाती है, एजुकेट करती है, शिक्षा देती है, किसके द्वारा, थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा। टीचिंग क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग ए पर्सन विथ थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा
एक इंसान को या किसी व्यक्ति को थ्योरिटिकल नॉलेज के द्वारा क्या करती है, उसका शिक्षा देती है वो थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो टीचिंग क्या करती है कि थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा एक पर्सन को शिक्षा देती है। और ये टीचिंग किसकी तरफ केंद्रित होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें दो ही लाइन ये इंपॉर्टेंट है, वो तो ये ऊपर का जो है वो आपको समझाने के लिए इसकी जो डेफिनेशन है वो है, उसके बाद ये जो पहले उसमें प्रैक्टिस और दूसरे उसमें टीचिंग इज अ थ्योरी ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि टीचिंग जो होती है वो थ्योरी थ्योरी के ओरिएंटेड केंद्रित होती है, और जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होती है। ये दो लाइन आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, ये थ्योरी के ओरिएंटेड होती है, केंद्रित होती है, और ये प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स हम समझते हैं आप प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग को इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके प्रिंसिपल हैं, कुछ नियम हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है एग्जाम में कि किस नियम में क्या है, इस तरीके से पूछ लेता है, या प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन के नियम देगा आपको और ऑप्शन देगा उसमें से आपके कौन से हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बनता है। हम आपको क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरिकल जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। तो हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल लीजिए, तो इसके 10 प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम नॉन से अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला इंस्ट्रक्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को जो पुरानी नॉलेज है, जो ज्ञात है उसे, यानी कि जो पुरानी जो भी चीज़ है उसे मालूम है, उससे अज्ञात की ओर, पहला जो पहले का जो ज्ञान है उससे आगे की ओर। जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, ट्रेनी अच्छे से सीखेगा, या स्टूडेंट कोई भी अच्छे से सीख पाएगा उस चीज़ को जो पहले से ज्ञात है, उससे रिलेटेड करके आगे का जब हम बताएंगे, उसे अज्ञात की जानकारी देंगे तो उसे अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, यानी कि आसान से कठिन की ओर, आसान से कठिन की ओर, यानी कि जब पहला जो आपका जो फेज है उसमें आप आसान चीज़ों को बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसे कठिन की ओर बढ़ाएंगे, आसान चीज़ों को वो समझते समझते कठिन भी समझने लगेगा, तो इससे क्या होगा, ट्रेनी अच्छे से सीखेगा और जो भी आपका स्टूडेंट है वो आपको अच्छे से सीख पाएगा। तो पहले आप सरल चीज़ों को समझाएंगे, उसके बाद आपको कठिन की ओर उसे लेके जाएंगे। तीसरा है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर, विशिष्ट की ओर। इससे क्या होगा, जब आप सामान्य चीज़ों की जानकारी दे देंगे पूरी तरीके से, जो भी सामान्य चीज़ें हैं जो उसको मालूम है उन चीज़ों की जानकारी दे देंगे, फिर वो आपको विशेष चीज़ों की ओर उसे ले जाना है। तो चौथा क्या है आपका, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि साधारण से जटिल की ओर, जटिल की ओर, ये कठिन की ओर, साधारण से जटिल की ओर। पहले आप उसे साधारण चीज़ें पढ़ाएंगे, यानी कि जो सिंपल चीज़ें हैं वो पढ़ाएंगे, उसके बाद आप उसे कठिन की ओर, जटिल की ओर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, ट्रेनी अच्छे से उसे कैच कर आएगा और उसे अच्छे से याद कर पाएगा या पढ़ पाएगा या समझ पाएगा। उसके बाद आपका आता है ऑब्जर्वेशन से रीजनिंग की ओर, यानी कि निरीक्षण से वास्तविक तर्क की, सॉरी निरीक्षण से तर्क की ओर, निरीक्षण से तर्क की ओर, यानी कि किसी भी चीज़ को आप जब क्वेश्चन देंगे वो उसका निरीक्षण करेगा, उसे देखेगा, समझेगा, उसके बाद उसको तर्क की ओर ले जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन करने की ओर, तर्क करे उस चीज़ पे, सवाल पूछे उसकी ओर, पहले उस किसी भी चीज़ को देखे, निरीक्षण करे, फिर उस पर तर्क करे, उसकी ओर आपको लेके जाना है, इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन देना है, यही आपके क्या है, प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन। छठा क्या है आपका, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि वास्तविक से काल्पनिक की ओर, यानी कि वास्तविक चीज़ें, जैसे कि आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें वास्तविक ही हैं, जैसे पंखा, बल्ब, इस तरीके से इन चीज़ों की जब आप पूरी जानकारी उन्हें दे देंगे, उसकी उसके बाद आपको आगे की ओर ले जाना है, यानी कि काल्पनिक की ओर, जो चीज़ें आपके आसपास नहीं है, काल्पनिक है, उन चीज़ों के बारे में उसे समझाएंगे या बताएंगे तो वो अच्छे से उसे कैप्चर कर पाएगा और अच्छे से समझ पाएगा। उसके बाद आपका आता है फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी कि जो चीज़ें देखी गई हैं, दृश्य हैं, उन चीज़ों को बता देना, उससे धीरे धीरे बताकर उसको आगे की ओर ले जाना, किसकी तरह, अनसीन की ओर, यानी कि जो चीज़ें ना देखी गई हैं उनके बारे में जब आप उसे बताएंगे तब क्या होगा, वह अच्छे से समझ पाएगा। उसके बाद आता है 8वां पॉइंट है आपका साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर, साइकोलॉजिकल, जो हम आगे आपको साइकोलॉजी का पूरे चैप्टर उसमें पढ़ाएंगे सारी चीज़ें, साइकोलॉजी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को।
तो मनोवैज्ञानिकता से तार्किक की ओर, यानी कि जो आप मनोवैज्ञानिक सोशली जो समझते हैं सीखते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट से, जो आपको साइकोलॉजिकल आपका जो माइंड सेट के द्वारा जो समझते हैं उससे, उसके बाद आपको कहाँ ले जाना है, लॉजिकल, यानी कि जो आप जनरली समझ जाते हैं उसके बाद आपको लॉजिकल चीज़ पे ले जाना है, किसी भी तार्किक चीज़ पे जो आपको समझने में डिफिकल्ट हो उसकी ओर ले जाना है। उसके बाद आता है फिर डेफिनेट से, फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट, यानी कि निर्धारित से अनिर्धारित की ओर। कोई भी चीज़ निर्धारित है, यानी कि आपको आधे घंटे का लेक्चर लेना, आपका निर्धारित है आधे घंटे के अंदर लेक्चर आपको लेना है, उसके बाद में निर्धारित बढ़ाना टाइम टाइम की ओर, यानी कि फिर आपको सपोज आपको 15, हम जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे 15 मिनट की वीडियो बनाना, तो धीरे धीरे करके इसे अनिर्धारित की ओर, यानी कि मेरी लिमिट जो क्या है 15 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा करके अनिर्धारित मैं कितने भी टाइम तक पढ़ा सकता हूँ, इससे निर्धारित से अनिर्धारित हो। फिर फ्रॉम पार्ट टू होल एंड फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि अंश से पूर्ण की ओर, अपूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, अपूर्ण से अंश की ओर, तो आपको ले जाना है। इसका इसका मतलब क्या है उसको आप समझिए। अंश यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों को पढ़ाना है, टॉपिक बाई टॉपिक बाई टॉपिक बाई आपको पहले पढ़ाना है, उसके बाद में पूरा चैप्टर आपको समझाना है। कैसे कि पहले आप टुकड़ा पढ़ेंगे, मान लो आप मान लीजिए आप डीसी जनरेटर पढ़ा रहे हैं, डीसी जनरेटर में पहले उसके प्रिंसिपल्स के बारे में एक पढ़ा दिया, उसके फिर अगले दिन आपने क्या पढ़ाया उसके पार्ट्स के बारे में, उसके फिर उस वर्किंग, फिर उस तरीके से आपने टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया, फिर धीरे धीरे करके वो जब कैच करने लगेगा, अच्छे से समझने लगेगा, फिर आपको क्या करना है पूरा चैप्टर पढ़ाना है एक ही लेक्चर के अंदर, इस तरीके से, किसकी तरह, पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, इस तरीके से आपको पूरा समझा देना। ये आपके 10 क्या हो गए, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या, फ्रॉम नॉट टू अननोन, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर।